देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सपा मिशन 2022 को मद्देनजर रखते हुए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने को साइकिल यात्रा निकाल अपना समर्थन प्रदर्शन दिखा रही है। महंगाई से जनता तंग आ गई है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस ने घरों की बजट बिगाड़ दी है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला अपराध नहीं रुक रहा। जनता बदलाव चाहती है। ये बातें युवा सपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज चौबे ने अपनी साइकिल यात्रा के दौरान भारी संख्या में पहुंचे समर्थकों के साथ नवाबगंज कस्बे में थाने चौराहे पर कही। मौका था युवा रोजगार क्रांति यात्रा साइकिल रैली का। शहर से लेकर गांव तक सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाल सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर लोकतंत्र विरोधी होने के आरोप लगाए और जमकर निशाना साधा। आप अपना परिचय दें और परिचय के साथ साथ ये कौन सी यात्रा है आपकी? मैं मनोज चौबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, युवा सपा नेता, विधानसभा 299 तरबगंज। मैं राम भजन चौबे का पुत्र हूं, जो यहां से 2012 में पूर्व चुनाव लड़े हैं, जो मामूली ओटो के अंतर से हार गए थे। इस बार 2022 की हम लोग पुनः विधानसभा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हम लोग 2022 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये आज की कौन सी सभा है, कौन सी यात्रा है, कहां से कहां तक की रहेगी? यह यात्रा युवा बेरोजगार क्रांति यात्रा पूरे जिले में सातों विधानसभा में सैकड़ों युवाओं के साथ साइकिल यात्रा निकाली गई है। इस प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार जो युवाओं पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, किसानों पर, महिलाओं पर बराबर जुल्म ढा रही है, जाति कर रही है, छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही है, उसी को लेकर हम युवा पूरे जिले में युवा बेरोजगार क्रांति यात्रा निकालकर इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम 2022 में करेंगे। कल आपके क्षेत्र में बसपा के सुप्रीम सतीश मिश्रा जी आए हुए थे, वो कह रहे थे ब्राह्मण समाज मेरे साथ है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनको लग रहा हो ब्राह्मण समाज उनके साथ है, लेकिन मुझे लग रहा है आज पूर्वांचल पूरा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। और ब्राह्मणों ने पूर्वांचल के ठान लिया है, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों ने ठान लिया है कि इस बार 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं 100 में 60 हमारा है और 40 में भी हमारा है, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? अब उन लोगों को लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सभी नेता उनके जो वरिष्ठ नेता हैं मंच पर उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है 76 को 66 कह रहे हैं। वो कहीं अमित शाह जी का हम सुन रहे थे, वो 86 को 68 कह रहे हैं अंग्रेजी में। मोदी जी आज कानपुर में 1200 करोड़ का लोकार्पण करने जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को छलने का काम किया है, प्रदेश में लोगों को छलने का काम किया है। आगामी चुनाव 2022 के देखते हुए प्रधानमंत्री योगी जी, मुख्यमंत्री जी, ये हमेशा शिलान्यास का काम कर रहे हैं और शिलान्यास इनका बहुत तेजी से है, जो प्रदेश के जनता के युवाओं की यात्रा है। ये कहां से और कहां तक की है? आज हम मनकापुर से शुरुआत किए हैं, रास्ते में तमाम लोग मिलते गए हजारों की संख्या में, खासकर नौजवान लोग बहुत जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। रोजगार खत्म कर दिया सरकार ने, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, नौजवान और किसान बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से और हजारों हजार की संख्या में समर्थन मिल रहा है। हम आज तरबगंज में बेलसर में है, कन्नेरगंज समापन आज होगा, नाइट हाल्ट होगा और सुबह कन्नेरगंज 9 बजे से शुरुआत। इस यात्रा में लगभग कितने लोगों के साथ आप रैली कर रहे हैं? मैं कल निकला हूँ 11 बजे दौरा विधानसभा से, वहाँ हम लोगों ने लगभग 300-400 लोग शुरुआत किए थे, लेकिन 1000-1500-1000 से कम कहीं भीड़ दिख नहीं रही है, लोग मिलते जाते हैं और कारवा करते हैं। रात्रि विश्राम आप कहाँ करेंगे? आज रात्रि विश्राम परसपुर में। इसके बाद अगला कार्यक्रम सुबह निकलेंगे परसपुर से, जो है पहुंचेंगे कल शाम को कटरा विधानसभा में रामा। आप ये यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनता से कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? जनता बिल्कुल समय का इंतजार कर रही है,
वो जनता चाहती है कितना जल्दी चुनाव हो जाए, जैसे चुनाव होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता बेताब है, साइकिल का बटन एकदम से दबा देना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।